आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 12वें संस्करण में दुनिया की टॉप 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है। अब तक टूर्नामेंट का आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी टीमें फिलहाल अंतिम चार में जगह पाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। ऐसे में एक टीम है जो 5 बार विश्व कप जीतने का कारनामा कर चुकी है और एक अलग ही मुकाम हासिल करने में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की। कंगारुओं के खेल का लेवल सारी दुनिया जानती है और अब यह टीम एक अलग ही मिशन पर है। इंग्लैंड को हराकर अंतिम चार में सबसे पहले अपनी जगह पक्की कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल है, लेकिन वर्ल्ड कप की शुरुआत में उसका सफर इतना आसान नहीं रहा था। मसलन टीम रिबिल्ड हुई और फिर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की वापसी को एडजस्ट कर रही थी। ऐसे में टीम ने सही समय पर क्लिक किया और दुनिया को दिखाया कि क्यों कंगारू टीम विश्व क्रिकेट की बेताज बादशाह है। आज हम आपको बताते हैं कंगारू की इस बेहतरीन वापसी के 5 बड़े फैक्टर। पहला फैक्टर, आरोन फिंच की कप्तानी और टीम को एकजुट करने की गजब की क्षमता। मुश्किल में घिरी टीम को कप्तान फिंच ने एकजुट किया और जताया कि वे 5 बार की चैंपियन टीम का हिस्सा है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टीम की बॉडी लैंग्वेज में भी चैंपियंस वाली झलक देखी जा सकती है। दूसरा फैक्टर, बेजोड़ ओपनर। कंगारू ओपनर इस विश्व कप में किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने के इरादे के साथ क्रीज पर आ रहे हैं। गजब के फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर 500 और आरोन फिंच 496 रन बनाकर टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर बने हुए हैं। तीसरा फैक्टर, मिडिल ऑर्डर का भरपूर सपोर्ट। ओपनर के द्वारा दी गई शानदार शुरुआत को स्टीव स्मिथ उस्मान ख्वाजा के साथ पूरा मिडिल ऑर्डर कैश कर रहा है। नतीजा सबके सामने है, मिडिल ऑर्डर की उपयोगी पारियां टीम को जीत दिलवा रही है। चौथा फैक्टर, स्विंग और पेस का कहर। आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में मिचेल स्टार्क की धार और ज्यादा तेज हो जाया करती है। स्टार्क ने बेन स्टोक को जिस स्विंग और यार्क से बोल्ड किया वह उनके कद को दर्शाती है। उनकी अगुवाई में पैट कमिंस और बहरीन ड्रॉप के स्विंग और पेस विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पांचवा फैक्टर, फील्डिंग। कंगारों की फील्डिंग सदा से ही आला दर्जे की रही है और यह उनका प्लस फैक्टर रहा है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों को 20-25 रन बोनस के रूप में कंगारू फील्डिंग मुहैया कराती है, जो अंत में एक बड़ा फर्क पैदा करती है। फिलहाल क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।